दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारे जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी बार बार डाउन हो रही है, मतलब कुछ इन्वर्टर्स ऐसे हैं कि ग्रेविटी को मतलब उठा नहीं पाते हैं, उन्हें टाइम लगता है या एक हफ़्ता लग जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी, कुछ तो उठा ही नहीं पाते और वो बार बार मतलब डीप डिस्चार्ज में चली जाती है बैटरी। तो उसी को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको ग्रेविटी उठा करके दिखाऊंगा, और मैं ग्रेविटी उठाने वाला हूं अपने सोलर पैनल से। एक ही पैनल का मैं यूज़ करूंगा ग्रेविटी उठाने के लिए, और जिनके घर पे सोलर पैनल है वो ये काम कर सकते हैं, उनको दिक्कत हो रही है बार बार बैटरी की ग्रेविटी गिर रही है, तो ये बेस्ट तरीका है। आगे आप स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं कैसे ग्रेविटी को उठाता हूं और कितनी देर हमें बैटरी चार्ज करनी है, पूरा मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। एक ही इन्वर्टर से मतलब 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट का, दो बैटरी लगी हुई हैं, लेकिन इनका कहना है कि इसमें से बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तभी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे चार्ज क्यों नहीं हो रही है बैटरी, कौन सी बैटरी में ज़्यादा करंट जा रहा है और कौन सी में कम जा रहा है, तो आगे हम चेक करते हैं। बाकी ये लिपगार्ड की बैटरी है और ये इनकी हाथ की बनी हुई बैटरी है, और ये नॉर्मल इन्वर्टर है जो कि नॉर्मल बनाते हैं लोग हाथ वाला। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इनकी ग्रेविटी हम चेक करेंगे, ग्रेविटी इनमें क्या आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं है इसमें, ये देख रहे हैं आप, इसमें ग्रेविटी है ही नहीं है बिल्कुल भी। इसका भी एक सेल ओपन कर लेंगे क्योंकि एक से ही थोड़ा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बैटरी चार्ज होनी हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये भी डिस्चार्ज कंडीशन में ही है बैटरी, तो इसे आप बोल सकते हैं कि इस 1150 इसमें ग्रेविटी है, मतलब 1150 इसकी ग्रेविटी है, मतलब हमारा ये वाली जो बैटरी है लिपगार्ड वाली ये ठीक है बट ये डिस्चार्ज है। बाकी मैं आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ, कनेक्शन यहाँ पे देखेंगे आप, ब्लैक में ब्लैक लगा हुआ है ये रहा और रेड में रेड लगा हुआ है, लेकिन इनकी जो ये चार्जिंग खुंटी है ये थोड़ी लूज़ है, अब ये चेक करना पड़ेगा ये इसकी वजह से दिक्कत हो रही है या ये करंट पास हो ही नहीं पा रहा इस बैटरी के लिए। इनकी खुंटी है तब तक ये बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होगी, मतलब अभी जो चार्जिंग है यही चल रही है। बाकी देखो अगर आप ये देखेंगे तो इसमें किसी में भी आपको चार्जिंग का दिख नहीं रहा है कि इसमें चार्जिंग भी आ रही है, जबकि लाइट आ रही है देखो, जबकि ये बैटरी चार्ज होनी चाहिए, मतलब करंट प्रॉपर पास नहीं हो पा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे, पहले इसे हम अपने सोलर वगैरह से चार्ज करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, और सबसे पहले अब हम इसी पे इनका लोड चलाएंगे क्योंकि ये बैटरी अभी डेड कंडीशन में है, देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है, ये आगे चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी। तो हम इसको लेकर चलते हैं, और इस वीडियो में आपको आगे तक रहना है क्योंकि आज मैं डायरेक्ट सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करना बताऊँगा जो कि हमारी बैटरी ख़राब भी नहीं होगी और उसकी ग्रेविटी भी आ जाएगी। तो आगे वीडियो में बने रहिए, चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। पैनल हमारा ये 580 वाट वाला है, एन टाइप वाला है, और ये 10 बस बार वाला पैनल है। तो मैं यहाँ पे सारे कनेक्शन अपने कर लेता हूँ। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं ना, ये टॉप क्वालिटी का वायर है, ये टेफ्लॉन वायर बोला जाता है, ये डीसी वायर है, और ये आपको कोटिंग है इसके ऊपर, ये कॉपर का ही वायर है। इसकी क्वालिटी आपको दिख रही होगी किस लेवल का वायर है ये। एक पॉजिटिव वायर है हमारा, एक नेगेटिव वायर है, एक ही पैनल को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। इसकी VOC 50 होती है, वैसे अगर हम मीटर में चेकआउट करेंगे तो वही 46-47 के अराउंड इसकी VOC आती है। और बाकी ये दोनों वायर मैंने देखो यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं इसके, ताकि आपको अलग अलग दिखे। ये भी देखो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें ये कनेक्ट करने के लिए अलग से एक कनेक्टर बनाया था ताकि हमें पैनल के जो कनेक्टर होते हैं उसमें ये फिक्स हो जाए, और उसके बाद में नीचे इसको फिक्स करने के लिए मैंने इसमें ये बड़ा वायर कर लिया है ताकि बैटरी को आगे पीछे भी हम करें तो कोई दिक्कत ना हो। ये जो आप देख रहे हैं कनेक्टर है, इसमें बिना जोड़ मारे हम तो पिच की वजह से इसको कस के इस तरीके से हम रख सकते हैं, तो इसमें टेपिंग वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि, और ये जो वायर है ये टेफ्लॉन वायर है, आपको इसकी क्वालिटी दिख रही होगी,
आपको जब मैं इसको कर रहा था तो इसकी क्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी किस लेवल का वायर है ये। इस यही होता है प्योर डीसी वायर, जिसे टेफ्लॉन वायर हम बोलते हैं, कि हीटिंग को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। यहाँ पे एक बार मैं मीटर से चेक कर लेता हूँ कि दोनों थिम्बल्स में हमारे वोल्ट आ चुके हैं या नहीं आए अभी तक। तो ये है हमारा ब्लैक वायर और ये है हमारा पॉजिटिव वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 44 वोल्ट आ चुके हैं। ये एक पैनल का करंट है 44 वोल्ट। तो बैटरी में एक बार पानी दिखा दो, पानी इसका काफ़ी है, देखो पानी इसमें आपको दिख रहा होगा। और अब मैं देखो इसको ग्रेविटी इसकी दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, ये डिस्चार्ज कंडीशन में है बैटरी, मतलब 1150 आप इसकी ग्रेविटी बोल सकते हैं, क्योंकि उस इन्वर्टर से काफ़ी दिनों से लगी हुई थी बट वो इसकी ग्रेविटी को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था। तो ये 4 to 5 days हो गए थे उनको परेशान होते हुए, तो मैंने कहा एक बार आप मुझे दीजिए और मैं इसकी ग्रेविटी आपको उठा करके दिखाता हूँ। बाकी हम जब भी अपने सोलर पैनल से लगाएंगे 50 VOC वाले पैनल से, या 24 वोल्ट आपका पैनल हो, तो सारे ढक्कन आपको ओपन कर लेते हैं ऐसे। इसमें ढक्कन आपको ओपन करके ही छोड़ने हैं, क्योंकि जब हमारा पैनल से ये लगेगा तो बैटरी के अंदर उबाल आना चाहिए, बॉइलिंग होना चाहिए इसका पानी, ताकि उसकी ग्रेविटी अच्छे से मेंटेन हो जाए और बार बार परेशानी ना हो। तो फटाफट से मैं इसके कनेक्शन और कर लेता हूँ एक बार। पॉजिटिव, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप करंट इसमें आ चुका है। कभी भी ये वायर आप कनेक्शन कर रहे हैं तो ये वाले ढक्कन आप बाद में लगाएं, क्योंकि इसमें तेजाब होता है तो उसमें स्पार्किंग से आग वगैरह ना लगे, इसलिए मैंने ये दोनों ढक्कन इसके ऊपर रख लिए थे। तो हमारे दोनों वायर यहाँ पे सेट हो चुके हैं और ये बैटरी अब इसमें चार्जिंग जाना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके सारे ढक्कन इस तरीके से ओपन करके छोड़ देंगे। और एक बार मैं अब आपको करंट दिखा देता हूँ कि करंट इसमें कितना आ रहा है। इसमें 13 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब ये बैटरी चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पैनल हमारा इसको चार्ज करने लगा है, इसलिए इसके वोल्ट ड्रॉप हो चुके हैं। तो बैटरी मैं आपको एक बार टाइम वगैरह दिखा देता हूँ, टाइम और डेट हमारा ये है। और बैटरी देखो धीरे धीरे इसमें बॉयलिंग आना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब हम इसको 1 घंटे बाद चेकआउट करेंगे कितना ये करते हैं चार्ज। तो बार बार मैं एक बार आपको नोट कराता रहूँगा, तो इससे आपको भी कंफर्म होगा कि डायरेक्ट सोलर पैनल से क्या हमारी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो आज वो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि आपको मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी देखते हैं कितना टाइम इसको लगेगा बॉयल होने में और कितना इसके ग्रेविटी आ पाती है। तो हम इसको ऐसे ही लगा करके छोड़ देते हैं। एक ही पैनल हमारा लगा हुआ है 580 वाट वाला, तो देखते हैं, कभी कभी धूप कम भी हो रही है, कभी ज़्यादा भी हो रही है, तो हम इसको ऐसे ही लगा करके छोड़ देंगे। बाकी ये जो सामान आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा, ये बैटरी टेस्ट करने के लिए ही है, सोलर वगैरह, मतलब इसी से मैं टेस्ट करता हूँ जितने भी मेरे वर्क होते हैं सोलर के रिलेटेड या बैटरी के रिलेटेड। दोस्तों हमारी बैटरी को 2 आवर्स होने को आए हैं और अभी 1 PM हो चुका है। और अब देखो इसमें चार्जिंग, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें चार्जिंग चल रही है। देखो एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये हम अच्छे से इसको इसमें बॉयलिंग आने देंगे, आराम से चार्ज हो रही है बैटरी। अब आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक पैनल से लगाने पे इतना ज़्यादा करंट नहीं होता है कि बैटरी को ख़राब कर दे। इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगता हुआ चलेगा कि बैटरी कितनी फास्ट चार्ज हो रही है, कितनी स्लो चार्ज हो रही है। तो इससे ये बेनिफिट है कि आप भी अगर अपना बैटरी लगाते हैं तो इससे कन्फर्मेशन मिलता रहेगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले हैं, 2 आवर्स में अभी इसकी ये कंडीशन है। अभी हम इसको और लगा करके रखेंगे, देखते हैं कितने टाइम में इसमें और अच्छा उबाल आने लगता है और अच्छा बॉयलिंग ये होने लगती है, एक ही पैनल से ये चार्ज हो रही है।
दोस्तों 3 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं हमारी बैटरी को लगे हुए, और अब देखो इसमें बॉयलिंग कितनी अच्छे से आ रही है। देखिए ये सभी सेल्स में आ रही है। तो अब इसकी ग्रेविटी उतनी स्टार्ट हो चुकी है, पहले जो डिस्चार्ज थी वो अब चार्ज हो चुकी है, अब इसकी ग्रेविटी मेंटेन होगी। अभी जितना ज़्यादा बॉयल होगी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी मेंटेन होगी। और ये बॉयलिंग जो हो रही है ये इस बैटरी के लिए बहुत ही नॉमिनल है, ये बहुत ही कंफर्टेबल बॉयलिंग है ग्रेविटी उठाने के लिए। तो ये एक ही पैनल हमारा चल रहा है अभी तक, और एक ही पैनल का ये रिज़ल्ट है। देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा, कितना ये मेंटेन करती है, और कितना इसमें और ज़्यादा बॉयलिंग आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो वीडियो आपको आगे पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे आप बने रहिए। तो दोस्तों बैटरी को चार्जिंग पे लगे हुए 5 घंटे हो चुके हैं, और अब देखो इधर आ गया है सूर्य, और थोड़ी बहुत इस पर छांव भी आने लगी है इस वाले पेड़ की। तो मतलब आधे पैनल पे आप धूप बोल सकते हैं, आधे पैनल पे धूप आ रही है। अभी मैं देखता हूँ इसमें कितनी अभी चार्जिंग चल रही है। तो बॉयलिंग तो इसमें अच्छी खासी हो रही है, देखो अभी भी ये रही। तो ये 5 घंटे लगी रही है बैटरी। अभी मैं एक बार इसका चेक कर लेता हूँ एक बार मीटर से कितना इसका रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1200 पे इसकी ग्रेविटी है अभी इस टाइम। देखो मैंने सीधा किया और यहाँ पे ये 1200 इसकी ग्रेविटी आ गई है। अब ये है कि ये डीप डिस्चार्ज से बैटरी निकल चुकी है। अब ये थोड़ा सा इन्वर्टर पे और चार्ज हो जाएगी बैटरी, तो ये अपनी ग्रेविटी को मेंटेन कर लेगी, अब ये डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएगी। अब इवनिंग का टाइम है तो सोलर पैनल से भी इतना करंट नहीं आ रहा है। अब मैं इस बैटरी को हटा लेता हूँ, क्योंकि फुल डे आप बोल सकते हैं कि 11 बजे से लेकर अभी आप देख पा रहे हैं तो 4 बजे तक लगभग 5 घंटे ये लगी है। हाँ सुबह 8 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक अगर ये बैटरी लगती तो ये बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रेविटी मेंटेन हो जाती है। बट फिर भी अभी काफ़ी हद तक इसमें ग्रेविटी बन चुकी है, जो काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है ये हमने देखा। और ग्रेविटी आप अपने घर पे भी ऐसे ही इसको उठा सकते हैं। और अभी मैं इसके वायर अलग कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसके जगह पे इसको सेटअप करने के लिए चलेंगे, और ये आसानी से चार्ज होकर आप अपना बैकअप मेंटेन कर लेगी। तो अभी हम मैं इस बैटरी को वहीं पे लगाने के लिए जा रहा हूँ जहाँ से लेकर के आया था, और इवनिंग भी हो चुकी है तो अभी मैं वहाँ पे सेट कर लूँगा इसको। तो दोस्तों मैं बैटरी को वहीं पर लेकर आ चुका हूँ इसकी ग्रेविटी उठा करके, और ये वाली बैटरी हम हटाने वाले हैं क्योंकि ये किसी काम की नहीं है, डेड हो चुकी है। काफ़ी पुरानी बैटरी है ये वैसे भी, तो ये वाली बैटरी डेड है, केवल हम इसी को कनेक्ट करेंगे अब इस वाले इन्वर्टर पे। और मैं इसके एक बार आपको नॉर्मल वोल्ट दिखा देता हूँ और लोड पे भी वोल्ट दिखाऊंगा अब कितने आ रहे हैं। तो 13 वोल्ट आ रहे हैं, 13 वोल्ट आप देख सकते हैं मीटर में, फिर मतलब बैटरी फुल चार्ज कंडीशन में। मैं फटाफट से इसके वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे ये वाले बैटरी के वायर तो ये रहे दोनों अलग, ये न्यू वायर हैं इन्वर्टर वाले, और अब हम ये वाले लगाते हैं। तो अच्छे से हम इसको टाइट कर लेंगे ताकि लूजिंग ना रहे, क्योंकि लूज ही रहेंगे तो फिर ये तार हीट होंगे, ये जो वायर है ये हीट होगा अगर लूज रहेगा तो, इसलिए इसको अच्छे से टाइट करना होता है। टाइट हो चुका है अभी ये, और इन्वर्टर को अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है, अभी मैं लोड चला के देखता हूँ कितना लोड चला सकते हैं। कितने पंखे हैं घर में? हाँ चार, चार पंखे चलाइयो, चला दो हाँ सारे एक साथ चलाओ, चला दिए सारे, चलाओ सारे। अभी आ रहे हैं, सारे चल गए। तो अब ये है हमारे लोड की वोल्टेज, तो 12 वोल्ट अभी भी इसमें आ रहे हैं। अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ग्रेविटी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है।
अब ये बैटरी पूरा लोड उठा रही है जबकि पंखे नीचे चल रहे हैं। अभी मैं आपको नीचे दिखा करके भी आता हूँ। सेम लोड तो एक ये वाला फैन चल रहा है किधर है, और एक ये वाला भी चल रहा है, ये वाला चल रहा है इसमें, और कहाँ पर है, तीन हुए, चौथा ये चल रहा। यहाँ पे चार पंखे चल रहे हैं, चार पंखे भी कंटिन्यू चल रहे हैं इनके। तो बैटरी की वोल्टेज आप देख सकते हैं, तो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 300 वाट के लगभग लोड चल रहा है अभी, और रिजल्ट आपके सामने है। अब ये लो बीप की भी इंडिकेशन नहीं दे रहा, ये बोल रहे थे कि 10-15 मिनट चलने के बाद तब करता था, अभी वो हम वो भी चेक कर लेंगे करता है या नहीं करता है। तो अभी चलने देते हैं इसको, देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। अगर ये करेगा तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, अगर नहीं करेगा तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो जिस बैटरी की ग्रेविटी गिरी हुई थी अब वो अपने ग्रेविटी पे आ चुकी है, मतलब उसकी ग्रेविटी हमने उठा दी है, और वो अब मैं लगा कर भी आ चुका हूँ, और उसका रिजल्ट भी अब ठीक है। पहले वो क्या कर रही थी कि चार पंखे जब चल रहे थे तो वो 12 से 13 मिनट बाद ही अपना लो बैटरी का इंडिकेशन देने लगती थी, बट वो अब नहीं दे रही है, मतलब इसका मतलब हमें कामयाबी उसमें मिल चुकी है, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब रही बात कि हम डायरेक्ट पैनल से क्या बैटरी को लगा के ग्रेविटी को मेंटेन कर सकते हैं, ग्रेविटी उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या यदि आप सोलर पे चला रहे हैं तो सोलर उसकी ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। यदि आपके पास ई रिक्शा वाला चार्जर नहीं है, यदि आपके पास में सोलर पैनल है 50 VOC हो पैनल की, 24 वोल्ट का पैनल हो, या आप उसकी 100 VOC भी कर सकते हैं, सीरीज़ भी कर सकते हैं। सीरीज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको देख कर रहना पड़ेगा, 12 वोल्ट की अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स उस पर 3 घंटे लगानी, इससे ज़्यादा लगानी नहीं है। यदि आपका सिंगल पैनल है 24 वोल्ट का और 500 वाट का सिंगल पैनल है तो आप उसको पूरे दिन लगा करके छोड़ देना, यदि डीप डिस्चार्ज है तो बैटरी उसकी ग्रेविटी भी मेंटेन हो जाएगी, उसके बाद आप अपने इन्वर्टर पे उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, फिर वो मेंटेन अपना कर लेगा ग्रेविटी को। बाकी अगर माना कि हम एक बैटरी नहीं लगाते हैं, अगर इसी सेटअप पे हम दो बैटरी लगा देते हैं, मतलब एक ही पैनल पे दो बैटरी लगाते हैं, तो वो ग्रेविटी को मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि जितनी उसको क्षमता चाहिए एक पैनल उतनी क्षमता हमारा नहीं दे पाता उसको, तो दो पैनल हमें उनको लगाने पड़ते। आप उसकी या तो 100 VOC कर लो या उसकी 50 VOC रहने दो, दोनों की या तो सीरीज कर लेना दोनों पैनल की या पैरेलल कर लेना, और दोनों बैटरी को 24 वाला करके उनको लग कर देना सीरीज में, बैटरी भी सीरीज में कर लेना, चाहो तो पैनल को भी सीरीज में लेना, पैनल को पैरेलल कर लेना, बैटरी सीरीज में कर लेना, दो बैटरी आपका 24 वोल्ट बना लेना। मतलब इसकी VOC उससे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब यदि हमारी बैटरी का वोल्ट 12 है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमेशा उसके वोल्ट 30 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, जो भी वो पैनल है, चाहे किसी भी कंपनी का, से ज़रूरी नहीं 500 वाट का हो, 200 वाट का हो, 300 वाट का हो, जितना बड़ा वाटेज होगा पैनल का उतनी ही ज़्यादा मेंटेन करेगा बैटरी, उतनी ही ज़्यादा इसकी ग्रेविटी को उठा देगा वो, जल्दी उठाएगा मतलब। तो ये मुझे रिजल्ट देखने के मिला। बाकी रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि सोलर पैनल पे डायरेक्ट बैटरी लगाने से बैटरी ख़राब हो जाती है, तो वो मैं कंडीशन आज आपको बता रहा हूँ कब ख़राब होती है। यदि आपका इन्वर्टर लाइट से चल रहा है और लाइट से वो चार्जिंग ले रहा है, प्लस आपने सोलर पैनल के वायर उस पर डायरेक्ट लगा दिए, आपके पास में कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, एक सोलर पैनल से भी चार्ज कर रहा है जो करंट आ रहा है, और एक लाइट वाला भी करंट ले रहा है, तो उसको बैटरी को डबल से भी ज़्यादा करंट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में बैटरी ख़राब होती है। कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि अपनी एडवाइस ज़्यादा देते हैं, पता कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकल उनको पता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल ही करता हूँ तभी आपको कंफर्म करता हूँ कि हाँ क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला है बैटरी, जैसे अभी मैंने आपको ग्रेविटी उठा करके दिखाई, ऐसे बैटरी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी लिमिटेशन में थी, उसकी बॉयलिंग बहुत ही नॉमिनल थी, वो बैटरी के लिए सिर्फ ढक्कन खोल के करना है ये काम आपको। ई रिक्शा वाला जो चार्जर होता है वो तो बहुत फास्ट करता है, वो तो एक तरीके से खोलाता है बैटरी को, मतलब उसमें बॉयलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ई रिक्शे से जो ये ग्रेविटी उठाते हैं वो थोड़ी, मैं बोलता हूँ कि वो थोड़ा सा हमारा रिक्स काम होता है, बट इससे आप उठाएंगे तो मुझे उससे ज़्यादा इसका बेटर काम लगा, क्योंकि ये प्योर डीसी करंट है। प्योर डीसी और एक डीसी कन्वर्ट करने में डिफरेंट होता है। बाकी कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, अच्छी लग रही है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको आगे भी देते रहें, क्योंकि हमें खुशी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि हम करते हैं प्रैक्टिकली, ना कि किसी के बोलने पे विश्वास। आपके सामने खुद आज मैंने प्रैक्टिकल किया, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।